नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में राजस्थान जीके बाई जेपी सर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको आगे के सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज की वीडियो राजस्थान की जलवायु। इससे पहले मैंने राजस्थान जीके की बहुत सी वीडियो डाली है जो आप मेरे चैनल पे देख लेना। आइए दोस्तों करते हैं शुरू जलवायु। राजस्थान की जलवायु, मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु में परिवर्तन 30 से 50 वर्ष में होता है। कोई भी स्थान की जो मौसम की दशाएं होती है उसके औसत को जलवायु कहते हैं और इसमें परिवर्तन 30 से 50 साल बाद आता है। ऋतु में परिवर्तन 3 महीनों से और मौसम में परिवर्तन प्रतिदिन प्रति घंटे संभव है। मौसम कभी भी परिवर्तित हो सकता है कोई भी स्थान का, और ऋतु हर 3 महीने बाद परिवर्तित होती है। प्रथम सदी में एक अरबी नाविक हिपोल्स ने मानसून की खोज की। मानसून की खोज एक नाविक ने की, हिपोल्स ने, प्रथम सदी में। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है जबकि राजस्थान की उपोष्ण कटिबंधी। भारत की तो है उष्ण कटिबंधी और राजस्थान की उपोष्ण कटिबंधी जलवायु। भारत में मानसून प्रवेश 1 जून को केरल में करता है और राजस्थान में मानसून प्रवेश 16 जून को बांसवाड़ा से करता है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में। राजस्थान में औसत वर्षा 57.5 सेमी या 575 mm। राजस्थान में औसत वर्षा 57.5 सेमी। भारत में मानसून प्रवेश 1 जून को राजस्थान में, औसत वर्षा दिन 29 दिन, राजस्थान में वर्षा होने के औसत दिन 29 दिन। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला झालावाड़ 40 दिन वर्षा, सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर 5 दिन, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, 48 दिन, सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर या सम कटरा जैसलमेर 0 से 3 दिन तक, या तो यहाँ पे बारिश होती नहीं है और अगर होती है साल में तो 3 दिन सबसे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर में 27 दिन, सबसे कम आंधियाँ झालावाड़ में 3 दिन, सर्वाधिक आंधियाँ तो श्री गंगानगर में 27 दिन और सबसे कम आंधियाँ झालावाड़ में 3 दिन। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान माउंट आबू, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर। राजस्थान में सबसे गर्म महीना जून और सबसे ठंडा महीना जनवरी। सबसे गर्म तो है जून और सबसे ठंडा है जनवरी। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला चूरू, राजस्थान का चूरू जिला सबसे ठंडा है और सबसे गर्म है। सर्वाधिक दैनिक तापमान वाला जिला जैसलमेर और सर्वाधिक वार्षिक तापमान वाला जिला चूरू। दैनिक तापमान सर्वाधिक जिस जिले का होता है वह है जैसलमेर और वार्षिक तापमान वह है चूरू। राजस्थान में सबसे आर्द्र महीना अगस्त और सबसे कम आर्द्र महीना अप्रैल। राजस्थान में हवाओं की सर्वाधिक गति जून में और सर्वाधिक मंद गति नवंबर में। सबसे तेज हवाएं तो चलती है जून में और सबसे धीरे नवंबर में। राजस्थान में होने वाली वर्षा का कुल 34% जुलाई में और 33% अगस्त में। आर्द्रता मापन यंत्र हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापन यंत्र है। और सबसे ज्यादा ओलावृष्टि राजस्थान में अब मार्च और अप्रैल माह में होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि मार्च और अप्रैल माह में। राज्य में पौष माह में चलने वाली हवा को सिल्ली के नाम से जाना जाता है। पौष माह में चलने वाली हवा को सिल्ली के नाम से जानते हैं। वाष्प के कणों के साथ चलने वाली लू को झाला के नाम से जानते हैं। वाष्प के कणों के साथ चलने वाली लू को झाला के नाम से जानते हैं।
ज्येष्ठ माह में चलने वाली या जेठ माह में चलने वाली हवा को, गर्म हवा को तवा के नाम से जाना जाता है। जेठ माह में चलने वाली गर्म हवा को राजस्थान में तवा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवाओं के नाम। राज्य में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को दरोड़, दराऊ या उत्तराद के नाम से जाना जाता है। उत्तर दिशा से हवा जो आती है उसे कहते हैं दरोड़, दराऊ या उत्तराद। राज्य में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाले हवा को लंकाऊ के नाम से जानते हैं। जो हवा दक्षिण दिशा से आती है उसे लंकाऊ के नाम से जानते हैं, और जो हवा पूर्व दिशा की तरफ से आती है उसे पूर्वाई, पूर्वियाई और पूर्वा बोलते हैं। पूर्विया, पूर्वाई, पूर्वा या अगुनी के नाम से जाना जाता है। जो पूर्व दिशा से हवा आती है उसे कहते हैं। जो हवा पश्चिम दिशा से आती है उसे पिछवाई, पिछवा या आथुनी के नाम से जाना जाता है। पच, पिछवाई, पिछवा, आथुनी के नाम से जाना जाता है। मानसून की दो शाखाएं निम्न है। मानसून की दो शाखाएं होती है वो निम्न है, देखिए आगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से उठकर सर्वप्रथम भारत में केरल तट को स्पर्श करने के बाद दो शाखाओं में विभाजित होता है। नंबर एक अरब सागर का मानसून, नंबर दो बंगाल की खाड़ी का मानसून। इसमें देखते हैं दोस्तों, नंबर एक अरब सागर की शाखाएं। अरब सागर की कुछ शाखाएं दक्षिणी अरावली से टकराकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में बारिश करती है। राजस्थान में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून हवाओं के समांतर होना है। मानसून के समांतर है अरावली पर्वतमाला, जिस कारण से राजस्थान में कम वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण भाग में एवं न्यूनतम वर्षा पश्चिम भाग में होती है। राजस्थान का दक्षिणतम भाग अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं ही द्वारा ही यहाँ पे वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होने का कारण यही है कि यहाँ पे अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों शाखाओं से बारिश होती है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, नंबर दो शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मनसूराव मेघालय इस क्षेत्र में आता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा के अंतर्गत आता है मनसूराव, जहां पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। जब यह शाखाएं हिमालय से टकराकर बारिश करती है तो अफगानिस्तान की तरफ कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इसी कारण मानसूनी पवने पश्चिम की ओर से अग्रसर होती है और राजस्थान के अधिकांश भाग में वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून की छोटा नागपुर पठार शाखा सर्वप्रथम राज्य की आड़ोती क्षेत्र में प्रवेश करती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। विश्व भारत राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राज्य में पूर्व की दिशा से आता है। इसी कारण इस मानसूनी हवा को पूर्वाई या पूर्वे या कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा